तीन दिन पहला दुबई तो आए गुरदासपुर के पिंड भुले चक के रहने वाले 29 साल NRI नौजवान रघुबीर सिंह की शक्की हालात में हुई मौत कारण पूरे पिंड सहम का माहौल है। मृतक नौजवान के परिवारक मैंबर ने पिंड के ही कुछ नौजवानों के हत्या के आरोप लगाए हैं। परिवारक मैंबर का कहना है कि उन्होंने पुत्र पिंड के ही कुछ नौजवानों ने पैसे खोण करके कतल किया है अते जख्मी हालात विच उन्हां दा पुत्तर पिंड दे ही एक ग्राउंड विच मिलिया सी, जिस तो बाद उन्हां इलाज लई भेजिया गया पर जख्मां दी ताप ना चलदियां कल उसकी मौत हो गई। परिवार ने मांग कीती है कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती जावे। इस संबंधी जानकारी दिंदिया मृतक नौजवान की माता अते भरा ने दस्या कि उन्हां दा पुत्तर रघुबीर सिंह दुबई विच काम करदा सी अते तीन दिन पहला ही वह वापस अपने घर आया होया सी अते 11 अक्टूबर नूं ओ अपने दोस्तां दे नाल घर तो बाहर घूमण गया सी पर घर वापस नहीं परतिया। 12 अक्टूबर दी सवेर नूं उन्हां नूं किसे ने दस्या कि उन्हां दा पुत्तर जख्मी हालात विच पिंड दी ही एक ग्राउंड विच बेसुध पिया है। जद उन्हां ने जाके देखिया तां उन्हां दे पुत्तर दी किसे ने बुरी तरह दे नाल मारकुट कीती होई सी अते उस दीआं लत्तां तोड़ दित्तियां गईआं सन, जिस तो बाद उन्होंने उसनु गुरदासपुर के एक निजी हस्पताल में दाखिल करवाया अते कल उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाए हैं कि पिंड के ही कुछ नौजवान ने उसकी हत्या की है क्योंकि उसके कोलो विदेशी करंसी अते उसने सोना पाया होया सी अते पैसे खोण करके ही उसकी हत्या की गई है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि पुलिस प्रशासन वालों इस मामले की जाँच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हां पुलिस तो भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस वालों सही कार्रवाई नहीं की जा रही। गुरबीर सिंह जी, मैं इन्हां दा वड्डा ब्रदर हाँ, मैं भी दुबई हाँ, आप तीन भरा तिने दुबई हाँ, तो काम करीदा उत्थे, मतलब कि ये आया ही छुट्टी शादी वास्ते, ठीक है जी, ये घरों गया वा मुड़िया ने इनू खड़िया जेडे घर दे ने मतलब कि दस्या, उस तो बाद मतलब कि सवेरे मिली आ लाश इन्हां नू, मतलब कि लत्तां नहीं होंदियां खड़ियां, उस तो बाद घर दे ने मतलब कि इनू होस्पिटल खड़िया उत्थे जाके दम तोड़ता इन्हें, ठीक ओवरऑल को ते काम दुबई करता ही ते आया ही छुट्टी 9 तरीक का, ते मतलब कि जो बनती कार्रवाई आ नो चाहिए, मतलब कि ये हाडी जिहड़ी कार्रवाई नहीं होंदी, सरपंच मैंबर जो भी आ पुलिस भी आ ये सारे मतलब कि गल जिहड़ी आ दबणा च मारिया जी पिंड दे मुड़े ही, वह मतलब कि साडे पिंड समैक दा बहुत काम चलता पिया, जिन्नी मतलब कि कह दो बड़ी वारी कही दा कि हाँ भी ये बंद होनी चाहिए आ, लेकिन उन्नी ये पिंड दे विच बिकदी आ, इन्हां नूं सपोर्ट हुंदी आ, पहलां इन्हां दी वजह नाल दो मुंडे मर चुके आ, इहनूं क्यों मारे तुहाडे भरा नूं, ये मारे ही इहदे कोल पैसे ही एक फोन ही, मतलब कि जिहड़ी मनी ही साडे कोल जिहड़ी बाहर दी मनी इहदे कोल, ये की करदा ही मतलब कि अपने कोल मनी रखदा ही, थोड़ी थोड़ी करके तड़वाउंदा ही, उस हिसाब नाल अपने मतलब कि खर्चा रखदा ही, मतलब कि वो मनी देख लिया इन्हां ने उदों कड़ा पाया ही तो फोन एक वड्डा ही, इस करके इहनूं मतलब कि उन्होंने देखिया कि हाँ भी इनको कैश करके इन मार के उत्थे सुट गए। इन्हें पिंडा नाल जो साढ़े जिहड़े मतलब कि पिंड के बंदे है ये नाल ही होर बंदे बाहर के किसी पिंड नहीं जाता ना किसी पिंड के बंदे रहा ना मिलता वा जी, ये जी आया 3 दिन पहला आया जी, 9 तरीक आया जी, मतलब कि 8 महीने हो गए गए, मांग ये करते इंसाफ होना चाहिए पिंड जरा, मतलब कि अज साडे बच्चे ने होया कल किसी बच्चे होर नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई जो बनती है कार्रवाई की जाए, सज़ा जी बनती है वो सज़ा मिल जी मिलनी चाहिए आ, अगे तो मतलब कि यह काम पिंड किसी ना भी ना वापरे। 9 तरीक आया ही है तो 9 से 10 11 इन्होंने सद लिया है, उन्होंने 11 चल गया है, 11 मुड़ के मैं फोन किया है 6 बजे 6:30 बजे, ये कहता मम्मी मैं आ गया घर, मैंने मुंडिया ने घेर लिया है, मुड़ के मैं गई हाँ, फिर कहता मम्मी तो मैं फिर फोन किया है, इन्होंने मोबाइल वह बंद करता, मुड़ के मैं फोन नहीं आया, मैं कहा पुत मैं फोन लाया 10 बजे लाया, 11 बजे लाया, 12 बजे फिर लाया, फोन बंद ही आया, डुबई कद 8 महीने हो गए गए, वापस 8 महीनों बाद आया वापस 9 तरीक न, मुंडे पिंड देने आए उन्होंने उन्हें को पैसा ही एक टीट आए, हाँ जी वो को पैसे ही मोबाइल ही 70-80 हज़ार का पैसे ही, वो 1 लाख रुपया कड़ा ही 2 तोले का तो लै गए ने, कहता मम्मी मैनू मैं गई हाँ, मैं कहा पुत तेन की होया, कहता मम्मी मैं पिंड के मुंडिया ने मारिया, मैं क्या मुंडिया का ना लै, उन्हें मैंने आपे मुंडिया का ना दसिया है, कहता मम्मी ना मेरा कड़ा है ना मेरे को पैसे ने तो ना मेरा मोबाइल है, फोन लाश मिली मैं सारे लभ्या सारी रात लभ्या अपने पुत को, जो मन चाह
ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੇਰ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਇਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਮੰਮੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਕੇਕ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਉਹ ਬਰੌਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ 11/10/2021 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ।